और ये भी कुछ दिनों के मेहमान हैं, ये भी हमें छोड़ के जाने वाले हैं, ठीक है। ये मेरे एक कज़न के थे जिन्होंने लिए थे और मेरे पास रखे थे। अभी हमारे परिंदे सारे मतलब एक तरह से हमें छोड़ के जा रहे हैं। हेलो गाइस, तो कैसे हो यार आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। यार आज का जो व्लॉग है उसमें फिर आप लोगों के लिए एक बैड न्यूज़ लेके आ चुका हूँ। यार पता नहीं हमारे सेटअप से परिंदे मुर्गियाँ क्यों ख़त्म हो रही हैं, समझ नहीं आ रही, ठीक है। नुकसान पे नुकसान हमारा होया जा रहा है, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अभी क्या हुआ है। सबसे पहले जाते हैं परिंदों की तरफ, परिंदों को देखते हैं एक नज़र। और देखें शाम का टाइम है, सूरज ग़ुरूब होने पे है, वो चेक करें आप। और मुर्गियाँ भी हमारी इधर है, पौधे माशाल्लाह से धूप लगने के साथ देखें किस तरह मतलब एक्टिव हैं, ये चेक करें माशाल्लाह से। धूप पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। अच्छा ये चेक करो जी, मुर्गी अंदर है, वो बैठी है, ठीक है। इसके आगे मैंने खाने को कुछ नहीं डाला, वजह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा यार पता है इस तरह से है कि मुर्गी के काफ़ी दिन हो चुके हैं और मैं इतना हैरान हूँ कि मुर्गी ने अभी तक एक बच्चा भी नहीं निकाला, पता नहीं क्यों। अंडे तो मैंने यार अपनी तरफ से कोशिश ये थी कि ऐसे अंडे लेके आऊँ जिनमें से बच्चे निकले। इस बार मैंने अपनी मुर्गी के नीचे आपको बताया था 11 अंडे रखे थे, जिसमें से एक अंडा इसने तोड़ दिया था। तो बाकी अब ये 10 अंडों पर बैठी है और अभी तक इसने कोई भी हलचल नहीं की, पता नहीं क्यों। मेरा दिल है कि मज़ीद आने वाले 1-2 दिनों के बाद इस अंडों को खुद चेक करूँ। मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना कि मैं क्या करूँ, चेक करूँ या ना करूँ। तो आप लोग मुझे बताओ, फिर उसके बाद मैं इंशाल्लाह से कुछ करता हूँ ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि यार इसने कोई बच्चे देने ही नहीं देने, फिर इसको हम इधर से उठा दें। अभी देखें देख रही है कैसे गुस्से से मुझे, वो देख ले। तो अभी इस तरह से देखें गुस्सा आ रहा है उसको, पर वो ऊपर से ऐसे ऐसे कर रही है परों को। तो अभी इस तरह से है कि इसको मैंने खाना पीना कुछ नहीं दिया। खाना पीना इस वजह से नहीं दिया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार ये अंडों से अगर बच्चे बने हुए हैं तो बच्चे निकाले, ठीक है। अंडों को खाने के लिए हुए तोड़ेगी तो बच्चा निकल सकेगा उस तरह से बाहर। तो यार मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, मेरी मुर्गी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। तो यार आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इस चीज़ के बारे में। और अभी बैठो तुम, खाने पीना आपको कुछ नहीं डालना, हाँ ठीक है। गुस्सा तो आएगा, खाना नहीं डाला आपके आगे मैंने, इसको बंद करते हैं जल्दी जल्दी। और अभी सेटअप के अंदर चलते हैं, मुर्गों को मैंने निकाल दिया था भाई, सुबह 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 निकाला था। मुर्गी हमारी दूसरी भी बीमार हो चुकी है एक, और वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, जो एक जैसी मुर्गियाँ दो थी हमारे पास, ठीक है। उनमें से एक मुर्गी भी बीमार हो चुकी है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी पहले चलते हैं सेटअप के अंदर। वो मुर्गी तो इस वक्त बाहर गई हुई है, ठीक है। उसको मैंने अभी निकाला है बाहर, टांग थोड़ा सा घूम फिर के आए। और ये मैं आ चुका हूँ, लाइट को ऑन करते हैं। तो ये फीमेल और ये भी कुछ दिनों के मेहमान हैं, ये भी हमें छोड़ के जाने वाले हैं, ठीक है। ये मेरे एक कज़न के थे जिन्होंने लिए थे और मेरे पास रखे थे। अभी हमारे परिंदे सारे मतलब एक तरह से हमें छोड़ के जा रहे हैं, अब केजेस खाली होने वाले हैं, ठीक है। ये भी जाएगा और मतलब ये पेयर भी जाएगा, तो इसका ये केज भी जा रहा है साथ में और ये केज भी जा रहा है, ठीक है। तो बाकी बहुत बड़ा नुकसान हो गया हमारा, ये वाला पेयर है, हम सोच रहे हैं कि ये वाला सेल हो जाए। अभी तक बात नहीं बनी किसी के साथ, जैसे ही बात बनती है तो ये हम सेल करेंगे, ताकि यार मैं चाहता हूँ कि ये सेल हो। और इनकी प्राइसेस थोड़ी सी हाई है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जैसे ही सेल हो तो हम कुछ परिंदे और लेके आ जाएं। केजेस बनाने थे हमने अपने पास, तो वो हम केज भी बना लेंगे बाय फिंचेस के लिए, क्योंकि आपको पता है पिछला भी लोग आप लोगों ने देख लिया होगा, फिंचेस का जो मेल हमारे पास मरा था वो इस केज में था। और अभी भी उसके बाल वो देखे नज़र आ रहे होंगे शायद आपको, वो अभी भी इसके बाल वो पड़े हैं सामने। तो यार समझ नहीं आई किस चीज़ ने मारा, मेरे हिसाब से तो मुझे बिली ने लगता है मारा, पर बिली इधर आ नहीं सकती, ठीक है। पर जिस तरह उसने मतलब तो उसका हाल था आपने देख लिया व्लॉग में, उस तरह से अगर बात करूँ तो मुझे ये लगता है कि ये बिल्ली ने मारा, पर बिल्ली अंदर कैसे गई समझ नहीं आई। ये देखो ये दरवाज़ा बंद है और इधर से जा नहीं सकती, ठीक है। तो अब मैं आपके साथ दूसरी बार शेयर करता हूँ, बाहर जाते हैं, जो नुकसान हुआ है हमारा एक और वो भी शेयर करता हूँ। और इनको फीड वगैरह कुछ नहीं डाला, फीड भी ख़त्म है, बॉक्सेस में खाली पड़ा हुआ है बॉक्स। तो जल्दी जल्दी इनकी फीड भी लानी है जाके मार्केट से, बहुत ही मतलब बुरे हालात हमारे बने हुए हैं इस वक्त, हमारे परिंदे हमें छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ जो बैड न्यूज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी इसको इधर से बंद कर दिया हमने ऐसे, ठीक है। और जो दूसरा काम हमारे साथ हो चुका है वो शेयर करता हूँ। अच्छा मुर्गियों में आपको अभी नहीं बता पाऊँगा, मुर्गियाँ सारी बाहर हैं,
12 बजे तो मैंने उनको निकाला था आज, क्योंकि सुबह का मतलब इस तरह बादल आए हुए थे, जिस वजह से मैं पहले उनको निकाल नहीं पाया। तो अभी जो बैड न्यूज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखें, ये हमारे साथ क्या हो चुका है, ये चेक करो यार भाई साहब, एक और नुकसान हमारा हो चुका है यार। बहुत बड़ा मतलब लॉस समझे, क्योंकि एक पहले मुर्गा हमारा मर चुका था जो हमें छोड़ के चला गया यार। बड़ा दुख हो रहा है, बोले भी नहीं जा रहा मुझसे, तो अफसोस होता है। ठीक है, ये इसको छोटा सा बच्चा था, मैंने पाल के बड़ा किया, इसकी माँ इसको छोड़ के चली गई थी, उन मर गई थी वो भी। तो उनमें से 8ों में से हमारे पास 3 बचे थे, और 3 जो है ये मतलब एक चूज़ा और हमें उस गैंग का, जो उसको नाम नहीं दिया था हमने, ठीक है, और उसकी जो माँ थी वो मर गई थी, बच्चे छोटे छोटे थे, हमने खुद पाले थे। और उन 11 बच में से मतलब 8 रहे, फिर 8 में से हमारे पास 3 रहे मर गए थे, पर 3 बड़े हुए और हमें से अभी एक और मर हमें छोड़ के चला गया। अभी 2 चूज़े रह गए हैं इसके साथ वाले, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यार बहुत दुख हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है यार। आप लोग मुझे बताओ मैं क्या ऐसा क्या करूँगा जिससे हमारी चीज़ें ना मरें। ठीक है, कौन सी ऐसी दवाई दूँ, पता नहीं, एक दिन ठीक होते हैं और दूसरे दिन कुछ ना कुछ हुआ होता है इनको। बाकी तो इसके साथ वाले वो रहे, ठीक है, जो अभी मतलब बच गए हमारे पास, इनमें से भी पता कुछ नहीं है क्या होता है, क्योंकि सुबह के टाइम जो ये रेड वाला, ठीक है, एक ब्लैक वाला और ये जो रेड वाला है, ये भी सुबह सुबह के टाइम जो है मतलब मुरझा सा मुरझा के बैठा होता है एक जगह पे, और देखे अब क्या होता है। और मैं देखे अभी किस जगह पर खड़ा होकर आपके लिए व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाया करूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो अभी वो देखो वो क्या बैठा हुआ है, फाख्ता बैठी हुई है। इसके मैंने घोंसले को बोर ढूंढा पर मुझे मिला नहीं था, ठीक है, इनमें कहीं इसने मतलब अपना घोंसला बनाया हुआ है या उस प्लाट में, तो मैंने कोशिश की थी मुझे मिल जाए, वो अभी उस तरफ से उड़ के वो देखें वो गई है। इसकी मेल और फीमेल दोनों हैं, पता नहीं है ये किधर बनाते हैं, मतलब बच्चे किधर देते हैं। तो अब इंशाल्लाह से जल्दी इनके घोंसले को ढूंढेंगे और इसके बच्चे निकालेंगे। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ कि आज ये व्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया जल्दी से वीडियोस को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नई वीडियो में, दुआ में याद रखना प्यारे भाई को। अस्सलाम वालेकुम।